ये देखो, मम्मी ने बनाया टेस्टी टेस्टी नाश्ता हमारे लिए। ये हैं रोटी के पोहे जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये है रायता जो कि हमें हर खाने के साथ कंपलसरी है कि पीना ही है। तो ये टेस्टी, अब हम इनको खाते हैं जल्दी से और फिर आपसे मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अच्छे से नाश्ता कर लिया है और फुल एनर्जी के साथ आप लोगों का वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि अच्छी एनर्जी से वेलकम करो ना तो वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा होता है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा बोलते हैं, तो चलो हमने वो भी कर लिया। अब रिस्पॉन्स दे दो यार अच्छा खासा, थोड़ा बस सपोर्ट कर दो। इतना मेहनत लगती है ना एक वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा, इतना ईजी नहीं है। और आज चलो बताते हैं क्या बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कुछ। तो हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आया, उससे मिलवाएंगे। और सेकंड, एक हम आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं जो कि सभी लोग उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। जैसे हमें ना यहाँ पे साइड में हम फ़ोटो दे देंगे अपनी पुरानी, हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा था, तो उससे उसको ना हमने बिल्कुल से निकाल फेंका है, छुटकारा मिल गया है। तो कैसे मिला है उसको हम विस्तार से आपको बताएंगे, अच्छे से ट्राईपॉड पर मोबाइल सेट करके। और बहुत टाइम से हमारे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न ये भी है कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमें स्टोन हो गया, उसका दर्द इतना बुरा होता है कि हमारे पूरे 2 हफ्ते निकल गए और हमें पता नहीं चला है। बस हम आराम कर रहे हैं, इसलिए देख के भी आपको लग रहा होगा हमारा फेस बहुत मोटा ताजा, हेल्दी हो गए हैं हम पहले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आराम से हमारा रेस्ट ही चल रहा है और कुछ भी नहीं। तो अभी जाके थोड़ा ठीक है, तो हमने सोचा एक छोटा सा बना लें। और जो न्यू मेम्बर है उससे मिलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले कैमरे को सेट करते हैं और बताते हैं आपके डैंड्रफ को निकालने का सोल्यूशन। तो कैमरा हमारा सेट हो चुका है और अब हम आते हैं हमारी मेन बात पर। जैसे सर्दी होती है ना तो ठंड तो लगती है, और साथ साथ में जो हमारा स्कैल्प होता है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उसमें खुजली भी होती है और हमारा डैंड्रफ हो जाता है। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कुछ DIY मेथड यूज करेंगे, जैसे जिंजर हो गया, और जिंजर को लगाना, लेमन का जूस लगाना, और ये डेली नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है, तो हमारा डैंड्रफ वापस आ जाता है, फिर कभी नहीं जाता। लेकिन इस सर्दी डैंड्रफ फ्री नेचुरल रह सकते हैं, वो भी मेन दो इंग्रेडिएंट के साथ, लेमन और जिंजर, वो भी विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल, क्योंकि ममार्थ ने लॉन्च किया है अपना लेमन और जिंजर रेंज, जिसमें लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और दूसरा लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर है। तो इस रेंज का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लेमन, और लेमन के फायदे तो आपको पता ही है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये हमारे डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो हमारे स्कैल्प है ना उसमें इचिंग होती है, खुजली होती है ना, उसको भी सूथिंग फीलिंग देता है। और इसमें शैम्पू का जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर, और जिंजर में ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे स्कैल्प के हेल्थ को मेंटेन करती है, और ये बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि हमारे डैंड्रफ को अप टू 100% रिड्यूस करता है, और ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, और इसमें किसी भी तरह का टॉक्सिन, परवेंस या हार्मफुल केमिकल भी नहीं है। तो आप इसको डेली यूज कर सकते हैं और अब डैंड्रफ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपको डैंड्रफ फ्री तो करता ही है, साथ में आपके बालों को ना शाइनिंग भी देता है और सॉफ्ट भी बनाता है। तो अगर आपको ये ममार्थ की लेमन और जिंजर रेंज पसंद आई है तो इसकी सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको पता है ममार्थ की सबसे अच्छी बात जो कि हमें बहुत पसंद है, हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं फ्रॉम ममार्थ तो ये लोग एक ट्री प्लांट कर देते हैं और उसको लिंक कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ। 2025 तक ममार्थ इस पहल के तहत 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, और ममार्थ के प्रोडक्ट अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और ममार्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन पर भी हैं। और ममार्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है, भी जितना यूज करते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं, और अब हर महीने 240 MT से अधिक प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं। ममार्थ की ऑफिशियल वेबसाइट iOS एंड्रॉयड है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे SHAL 2023, आपको 20% तक डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप ये कोड सिर्फ ममार्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ही यूज कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ममार्थ एक इंडियन ब्रांड है, ऐसे में इनके जो प्रोडक्ट हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं, और जैसे कि आपको पता है ममार्थ के प्रोडक्ट अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पर हैं, लेकिन अभी आपके नजदीकी स्टोर पर भी हैं, और आप हमें कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ये स्टोर्स आपके आसपास खुल जाए। तो गो चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अब हम आपको मिलवाते हैं अपनी फैमिली के न्यू मेंबर से। घर आया एक प्यारा सा डोगी,
क्योंकि इतना खील रहा है। उधर कर दो बार, उसके पास कर दो, उसके पास कर दो, कैमरे के पास। अरे यार तुम यहाँ पे क्यों ला रहे? शेरू गलती हो गई हमसे। शेरू शेरू, अच्छा सुनो सुनो, हाँ बॉल से खेल लो, बॉल से खेल लो, बॉल से खेल लो बेटा, बॉल से खेल लो, बॉल उधर अंदर को कर दो आप लोग अंदर कर दो बॉल। ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है, और राधे विनायक भी इसके साथ खेला, कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, कितना क्यूट, 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 क्यूट। दूर रहो तुम लोग, ये देखो इससे खेलने में इसका इतना मन लगा, इतना मन लगा। दिखा दो घर की पूरी प्रदर्शनी बेटा तुम, बेटा तुम, बेटा तुम, इधर आ, इधर आ, बॉल के इधर लेके आओ बेटा, इधर लेके, बॉल के इधर लेके, इधर लेके आओ, बस इधर इधर ही, हाँ ये सही जगह है, ऐसे ऐसे खेल लो, खेल लो, खेल लो, खेल लो, कोई बात नहीं, खेलो खेलो खेलो। देखो शेरू, शेरू ठीक है अब। शेरू किसको पसंद है? मुझे। विनायक को? हमें। हाँ देखो, हमें 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 हमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डॉगी तक डर के भाग गया कि ये लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे। विनायक इधर तो आओ। अच्छा एक बात बताओ, डॉगी के बारे में कुछ बताओ। डॉगी के बारे में आज परसों डॉगी आया था। हाँ नहीं संजा को, हाँ जॉर्ज डैडी से जीप से लेके आए थे और जीप पे उसने उल्टी कर दी। अच्छा उल्टी कर दी थी। हाँ दूर रहो, थोड़ा दूर रहो। हाँ और डैडी के शूज के भी ऊपर। और फिर वो आ गया, फिर उसे बाहर कर दिया गया। फिर वो रात तक ना थोड़ा रुके रह गया, फिर हमने उसके साथ खेला, फिर वो अंदर आया, फिर रात हो गई, फिर हम सो गए। तुम्हारी बात खत्म नहीं होती मतलब। इधर तो आओ। ओ सॉरी, क्या कल्ला छिलो, क्या कल्ला छिलो, चलो 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 चलो। शेरू को खिलाते खिलाते हमने आंगन में बहुत सारी धूप ले ली, और अब सोच रहे हैं कि विनायक और राधे से कुछ चटपटे सवाल करते हैं, और देखते हैं साथ विनायक का कुछ इंटरेस्टिंग आंसर आ जाए, आप लोगों को अच्छा लगे, बस आपके लिए कर रहे हैं सब। तो दो मिनट और धूप लेंगे और फिर चलेंगे विनायक राधे के पास। क्या बोल रहे? ओ, नल्ली घुस गया। क्या बोल रहे? नहीं नहीं, क्या बोल रहे? नल्ली में घुस गया। क्या बोल रहे थे तुम अभी, ये बताओ क्या बोल रहे थे? इधर ही बैठे रहो एक जगह। क्या बोल रहे थे? आप ये शेरू नहीं ले जाओ। क्यों नहीं ले जाओ? तो क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये हमारा ही है, ये हमारा, हम पिटाई करेंगे। नहीं तो कल ये तुम्हारा मुंह है ना, ये मुंह तोड़ देंगे हम, तोड़ देंगे। उसकी चार बच्चे और उस बंदी के। हाँ तो चार बच्चे चाहे दस बच्चे, हमें नहीं मतलब, ये हमारा है, मतलब हमारा है। नहीं हमें ये अच्छा लग रहा है, हम हमारा है, तो आप काट के ले जाना। बनाएगा आप हमें प्यार नहीं करते। ठीक है ले जाना। हाँ विनायक क्या? आप हमें प्यार नहीं करते। ठीक है ले जाए। क्या ले जाए? ले जाए जो करना है कर लेना। अच्छा इसको ले जाए जो करना, कोई बस ले जाना नहीं है। तो फिर प्यार नहीं करते? अरे जो करना वो करना, पर आज ले जाना नहीं। तो फिर हम तब ले जाएंगे, तब भी तो पता चलेगा ना कि आप हमें प्यार कर दे। नहीं ले जाए। तो फिर विनायक क्या कह रहे हैं? अभी बताओ विनायक, अगर रास्ते में 10 रुपए डाली मिले तो क्या करोगे? 10 रुपए नहीं नहीं उठाएंगे। नहीं उठाओगे? अरे अच्छा, तो एक और बात बताओ, स्कूल में मैम पसंद नहीं है सर? छोड़ो, मैम पसंद नहीं है सर स्कूल में? मैम चलो अच्छा बताओ कि सोना अच्छा लगता है खेलना? क्या सोना अच्छा लगता है खेलना? सोना। मैंने आपको सोना अच्छा लगता है खेलना? सोना खेलना नहीं लगता? हम नहीं, तुम दोनों सेम बोल रहे यार, अलग अपना अपना बोलो, मन मन का बोलो। बिना कॉपी कर रहा है, बिना कॉपी कर रहा है। बिना फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश चॉकलेट। खाना फेवरेट कौन सा है आपका? है खाना कौन सा फेवरेट है? मटर पनीर। और राधे आपका फेवरेट खाना? नहीं खाना बताओ, एक उसी डिश बताओ, कौन सी डिश फेवरेट है? रोटी और सब्जी। सब्जी कौन सी? भिंडी वाली, भिंडी की सब्जी। वाह 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 वाह। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पूछ ले। हाँ जो अपना नोट रहता है उसमें किसी की फोटो रहती है, वो किसकी रहती है? गांधी। मैंने तुम बताओ किसकी रहती है? गांधी जी नहीं तो मोदी। हाँ मोदी। क्या मोदी? मोदी, मोदी जी। हाँ वाह बेटा वाह, वेरी गुड, शाबाशी देना इसको, शाबाश।
राधे आप ना तो सच में यार, चलो कोई नहीं, यहीं पे अपना क्या केवाईसी केबीसी खत्म करते हैं, ठीक है, बाय 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 बाय। तो बिना किसी ना कुछ इसी तरह की उम्मीद थी कि वो ऐसे ही कुछ रिप्लाई देगा, और उसका रिप्लाई ना इतनी अटके था। देख रहे हो मोदी जी की ना बच्चे बच्चे फैन हो रहे हैं, सबको पता है नोट पे गांधी जी होते हैं, उसको शायद पता ही नहीं होगा, और बोला मोदी जी है, बताओ। तो मतलब यार बच्चे कितने फैन हो रहे हैं, है ना, बच्चे बड़े सब फैन हैं, उनकी बात ही अलग है। तो अभी देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, और हमें भूख भी लग रही है तो हम खाना भी खा नहीं रहे, खाना खा के और फिर दवाई भी खाना है, अच्छी वाली मतलब बेहतरीन दवाई आई है हमारी, जो खाने में ना एकदम स्वाद बना ले रही है। तो पहले मम्मी के पास चलते हैं, फिर आपको दवाई से भी मिल पाएंगे। मम्मी क्या कर रही? कपड़ा डाल रही। देखो मम्मी डाल रही है कपड़े सूखने के लिए जाली पे, इधर तो देखो, हाय तो कर दो, देख लो यार। तो मम्मी का काम चालू है। तो ये आ चुका है हमारा खाना, दाल रायता और रोटी। ये ना उल्टी रखी है, ये देखो चुपड़ी चुपड़ी। तो जल्दी से हम इसको खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हो चुका है हमारा खाना कंप्लीट, और खाना खाने के बाद आ रही है हमें मस्त वाली नींद। खाना खाने के बाद सबको आलस आता है, तो नींद तो आती है, और हमारी तबीयत की वजह से हमें और आ रही है। लेकिन अगर आप अपनी नींद को ख़राब करना चाहते हैं तो आप ये वाली दवाइयाँ ज़रूर ले लें, ये एकदम से आपका टेस्ट बेकार कर देंगी, उल्टी वाली फीलिंग देंगी, और बहुत कुछ है इनमें, इतनी बेकार है ना, बहुत ज़्यादा। अभी टैबलेट थी जो, तो वो तो हमने खा ली, जैसे जैसे खा लेते हैं, लेकिन ये जो सिरप रहती है ना ये बहुत गंदी रहती है, और इसको पानी में मिला के पियो, बड़े ड्रामा। और अभी हमारा कैमरा थोड़ा अलग सा लग रहा है ना, वो भी हमारी गलती है, हमने इस मोबाइल को अपडेट कर लिया, एक तो इतना महंगा मोबाइल लेके आया और फिर इसको अपडेट कर लिया ना, तो इसका कैमरा हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, और इसको पुराने में पहुंचाने के लिए जाना पड़ेगा हमें सर्विस सेंटर, और यहाँ से सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब ज़्यादा भी नहीं 50-60 किलोमीटर, लेकिन नहीं जा पा रहे, पेंडिंग में ही डला है वो हमारा काम। तब देखते हैं कब तक जाते हैं, जब तक आप यही वाले झेल लो वीडियोज़, क्या करें, क्योंकि अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ नेक्स्ट ब्लॉग जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, बस भगवान से विनती है कि हमारी तबीयत सही रहे और हम उसको अच्छे से निपटा लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और आपसे मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।